हेलो, आई एम ओम नारायण साक्या। आई विल डिस्कस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आइए देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? एजोस्पोरियम हमारा बायो फर्टिलाइजर है। दिस इज ए क्वेश्चन, राइट? हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन, सोयाबीन में प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन कितना होता है? 35 से 40% प्रोटीन होता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल हमारा 18 से 20% ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंड स्पीड मेजर बाई द इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा विंड स्पीड कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट करने का? जो होता है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से हम क्या करते हैं? विंड स्पीड को मेजर करते हैं। और क्रेस्कोग्राफ, आप जानते ही होंगे, क्रेस्कोग्राफ से प्लांट ग्रोथ को मेजर करते हैं। और विंड वैन होता है, जो विंड डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए होता है। और मैनोमीटर, मैनोमीटर का हम रूट प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट कल्टीवेटेड पल्स क्रॉप ऑफ केरला, तो केरला के लिए मोस्ट कल्टीवेटेड पल्स क्रॉप हमारा कॉफी है। कॉफी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेस्टनट कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग अमोनियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट इन द रेशियो, तो इसमें कितना रेशियो होता है? 11:2, 11:2 राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइंड ऑफ सीड विच ऑफर्स मैक्सिमम प्योरिटी, तो मैक्सिमम प्योरिटी का कौन सा रहता है? ब्रीडर सीड रहता है। ब्रीडर सीड मैक्सिमम प्योरिटी, मैक्सिमम प्योरिटी हमारा ब्रीडर सीड देता है। और जो हमारा रेस्ट फाउंडेशन सीड रहता है, ये 99.9% प्योरिटी रहता है। और मैं इसमें हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कट फ्लावर्स आर कॉमनली प्रिजर्व्ड इन, जो एसीटोन होता है, एसीटोन, प्रिजर्व्ड एसीटोन, इसे राइट आंसर। राइट कौन सा होगा? एसीटोन। बंची टॉप ऑफ बनाना इज केस्ड बाई, बंची टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होता है? एक वायरल होता है जो कि बाबू वायरस, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये राइट होगा, बाबू वायरस, ये वायरस दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नॉन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोकोनट, तो इसमें इरियोफिड माइट होता है। इरियोफिड माइट लिखा हुआ है, इरियोफिड माइट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या गोल है? टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक, ये साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करता है, ये हमारा इसका मेन गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस ऑफ करंसिस,
तो करण शुष्क का क्रया क्रॉस है। करण शुष्क का सही आंसर तो हमारा ये है साइवाल एंड ब्राउन शुष्क, और साइवाल एंड होलस्टन फ्रिजियंस हमारा फ्रिज बैल है, ये हमारे फ्रिज बैल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्पाइस ऑफ हनी बी स्पेसीज, सॉरी विच स्पेसीज ऑफ हनी बी इज नॉट इंडिया, इंडिया का नहीं है, तो इसमें एपिस मेलिफेरा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल हमारा किसका रहता है, मोलिब्डेनम का इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर एंड वेन वाज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलाइज, ये जो कि हमारा जिनेवा में 1978 में स्टेबलाइज किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइस बग अटैक राइस प्लांट एट द स्टेज, कौन सी स्टेज पर अटैक करता है, तो ग्रेन फिलिंग, हमारा ग्रेन बनता है तब हमारा अटैक करता है ये। इसमें थायरा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, तो खैरा डिसीज किसकी डिफिशियंसी कारण होता है, जिंक की डिसीज, जो ऑलरेडी सब लोग जानते ही होंगे एग्रीकल्चर फील्ड और से रिलेटेड स्टूडेंट। इट इज कंसिडर्ड किंग ऑफ स्पाइस, तो किंग ऑफ स्पाइस हमारा जो हमारा पेपर्स होता है काली मिर्च बोलते हैं उसको, ये हमारा किंग ऑफ स्पाइस। इट इज कंसिडर्ड किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स तो मैंगो को माना गया है, तो ऑलरेडी जानते ही होंगे सब लोग। हर्बिगेशन इज प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन एंड कंट्रोल, तो हमारा हर्बिगेशन कंट्रोल बीड्स होगा ये राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।